नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी का बिना परमिशन प्रदर्शन, पुलिस द्वारा रोका गया प्रदर्शन। रविवार को सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकत्र हुए। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए घोटाले का आरोप लगाया। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद का है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क के मंच से बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार धोखेबाज सरकार है और इसका सरकार में काफी घोटाले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जगह जगह प्रदर्शन करने को मजबूर है। वहीं अंबेडकर पार्क में आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन बिना अनुमति के किया जा रहा था। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। मौके पर पहुंचे सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनूप सिंह ने बताया, अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई उल्लंघन करने की कोशिश की तो पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाएगी। महंगाई को लेकर और जो बिल योजना जो बीजेपी सरकार लेकर आई है उसको विरोध में लेकर आम आदमी पार्टी 75 जिलों में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन 3 किलोमीटर की पद यात्रा के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, आपको समझना पड़ेगा, यह आजादी की हमारी दूसरी लड़ाई है। जिस तरीके से हम शोरों से लड़े थे, उसी तरीके से हमें काले अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। ये काले अंग्रेज बड़े खतरनाक है। गोरों ने तो सिर्फ नमक पर टैक्स लगाया था, इन्होंने तो आज बच्चों की किताबों पे, कॉपी पे, रबर पे, पेंसिल पे और पीने वाले दूध पर भी टैक्स लगा दिया। मुरादाबाद अंबेडकर पार्क में पूरी यूपी के साथ साथ यहाँ पर भाई एक पदयात्रा थी, जो महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर पदयात्रा निकाली जा रही थी। कंपनी सिविल लाइन अंबेडकर पार्क से लेके और गांधी मूर्ति तक, कंपनी मार्ग तक, तो प्रशासन ने हमें रोका, जाने नहीं दिया। हमारे जिले प्रभारी और जिला अध्यक्ष ने, पुलिस ने वार्ता की उन लोगों से और उस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो हम जिले के कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी है। वो प्रोग्राम आने होने चाहिए था, क्या हमारी गिरफ्तारी करो, प्रोग्राम होना चाहिए था। तो इसके लिए हमारे ज़िले के काफ़ी कार्यकर्ता नाराज़ हैं और हमारे प्रभारी ने जो है पुलिस से आए घुटने टेक दिए और उसे हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ लिया। किस दिक्कत आ रहा है? प्रभारी का नाम क्या है? ए पी सिंह। आपका पूरा नाम? मेरा मोहम्मद आदि नाम है, मैं पूर्व जिला परिषद। प्रभारी का नाम क्या है? ए पी सिंह। ए पी सिंह क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? तो पार्टी ऐसे लोगों संज्ञान ने, जब कार्यकर्ता सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, लाठी डंडे खाने के लिए तैयार हैं, तो उन लोगों को कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाना था, कम नहीं करना। मतलब कार्यकर्ता खुद हाथ जोड़ लिया उन्होंने? हाँ, ये कहा, मैं प्रशासन नहीं चाहता कि किस तरह का बल प्रयोग हो और कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत आए, ज्यादा ये प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। जिला अध्यक्ष भी उनके कहने पर थे और जिला अध्यक्ष क्या कह सकते हैं? पार्टी की आज जो रैली निकली धारा 144 में की भी रैली निकालने की कोशिश करें, क्या कहना चाहिए? आम आदमी पार्टी का एक राजनीतिक कार्यक्रम था और ये सभी लोग अम्बेडकर पार्क में एकत्र हुए थे। इन लोगों को हमने जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश हैं उसके बारे में अवगत करा दिया। इस समय ज़िले में धारा 144 लागू है, उन्हें उसके बारे में भी अवगत कराया और उन्हें ये भी बताया कि एक अच्छी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, नियम कानून का पालन करें और लोकतांत्रिक सीमा के अंतर्गत जो उन्हें अपनी बात कहनी है वो बात अपनी कहें। आप सारे मीडिया के लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे और उनके साथ जो एक नियमानुसार कार्रवाई है उसे ही हम लोगों ने करी। उन लोगों ने हमारी बात मान ली और अंबेडकर पार्क में ही अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है हमारी बात मानी। नहीं, ज्ञापन का कार्यक्रम नहीं था उनका, वो चाहते थे कि वहाँ से निकल करके वो बाहर जाएँ। हमने उन्हें अवगत करा दिया कि धारा 144 लागू है, यहाँ पर भी इकट्ठा होना कानूनी रूप से अलाउड नहीं है, लेकिन चूँकि ये मुरादाबाद के जंतर मंतर की तरह है
तो यहाँ पर लोग इकट्ठा होते रहते हैं, इसलिए हमने उनको वहाँ पर इकट्ठा होना अलाउ किया। लेकिन उसके बारे में उसके आगे की किसी पदयात्रा के लिए चूँकि कोई अनुमति नहीं थी, उससे उन्हें अवगत करा दिया। सर इसकी परमिशन भी नहीं? नहीं, कोई परमिशन नहीं। तो सर ये अगर उन्होंने उल्लंघन किया होगा, हमने वीडियोग्राफी कराई है, अगर हमारे नियमों का नियम कानून का कहीं कोई उल्लंघन होगा तो फिर उसके बारे में हम देखेंगे, समीक्षा करेंगे। ठीक है सर।